किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। सरकार बनाएगी प्याज का बफर स्टॉक, अब यूरोपीय देशों में भी जाएगा उत्तर प्रदेश का आलू। तेज हवाओं से हो रहा है आम की बौर को नुकसान, गुजरात में बनेगा देश का पहला ऑर्गेनिक कृषि विश्वविद्यालय। प्रदेश की खुशहाली गांव और किसानों के विकास से और टिश्यू कल्चर विधि को दे प्रोत्साहन। और अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार प्याज के मसले को काबू में रखने के लिए किसानों से 15,000 टन प्याज सीधे खरीदकर बफर स्टॉक बनाएगी। यह फैसला प्याज की कीमतों में अचानक आने वाली तेज उछाल से निपटने की तैयारी के मद्देनजर किया गया है। पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से 8,000 टन प्याज की खरीद के बावजूद प्याज की खुदरा कीमतें आसमान छूने लगी थीं, इसलिए इस बार समय रहते प्याज के आयात और घरेलू बाजार में इसकी कीमतों पर निगाह बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय समय पर बाजार में प्याज की कीमतों को देखते हुए दखल देने का भी आदेश दिया गया है। अभी तक नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और यूएई जैसे देशों में निर्यात होने वाला प्रदेश का आलू अब रूस और अन्य यूरोपीय देशों में भी भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों को आलू की फसल के अच्छे दाम मिलने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद ने आलू किसानों को उनकी उपज अधिक दरों पर बेचने का अवसर दिलाने के लिए आगरा में क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में तय किया गया कि प्रदेश की आलू की गुणवत्ता को देखते हुए इसे एशियाई देशों के साथ साथ रूस और अन्य यूरोपीय देशों में भी भेजा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से चल रही तेज हवाएं आम की बौर को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस बार आम के पेड़ों में आई बढ़िया बौर को देखकर खुश हो रहे बागवान अब चिंतित नजर आ रहे हैं। मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र में इस बार तिसाला फसल है। यहां बौर में आम बनने की प्रक्रिया के दौरान हुई बरसात से बागों में आंशिक नुकसान ही पहुंचा था, लेकिन अब तेज हवाओं से बौर गिरने भी लगा है। बागवानों का कहना है कि फिलहाल अभी इन हवाओं से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये हवाएं अगर आने वाले दिनों में भी ऐसे ही चलती रही तो आम को बहुत नुकसान होगा। किसानों को खेती के पारंपरिक तरीके अपनाने में मदद के लिए गुजरात सरकार देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है जो विशेष रूप से ऑर्गेनिक खेती पर केंद्रित होगा। एक किसान रैली में किसानों को संबोधित करते हुए सरकार का कहना था कि किसानों को अब ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख करना चाहिए और पारंपरिक खेती के तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध गुजरात सरकार ने 2016-17 के बजट में विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रदेश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता गांव और किसानों के विकास से जुड़ा है, इसलिए किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है और साथ ही शासन से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए बनाई गई ढेरों योजनाओं के क्रियान्वयन में जुटे हुए हैं। इन योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में भी धन का व्यापक इंतजाम किया है। प्रदेश में जहां 1,40,000 तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में ट्यूबवेल के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सूखा प्रभावित इलाकों के लिए चारा दाना कार्यक्रम चलाया जा रहा है और किसानों के लिए 3% तक की दर से कर्ज की व्यवस्था भी की गई है। बेहतर उपज और चीनी रिकवरी के लिए गन्ना व चीनी विकास आयुक्त ने गन्ना बुआई में टिश्यू कल्चर को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर उपकेंद्र गोला, बलरामपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर और गोरखपुर के लिए गन्ना प्रजाति के विकास को लेकर आयोजित बैठक में बायोटेक्नोलॉजी के विकास पर जोर दिया गया है। बैठक में नई प्रजातियों के गन्ना बीज को किसानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, इन दिनों गेहूं की फसल अगर पककर तैयार हो चुकी है तो कटाई करें। इसके साथ ही फसल को बाकायदा सुखाकर गहाई करना बेहद जरूरी काम है। गन्ने के खेत में सही तरीके से निराई गुड़ाई करें और खरपतवारों के प्रति सजग रहें। आने वाले दिनों में बैसाखी की मूंग की बुआई की तैयारी करें। पिछले दिनों बोई मूंग के खेत अगर सूखे नजर आए तो बिना देरी किए सिंचाई करें। इन दिनों तुरई की नर्सरी डाली जा सकती है। साल की शुरुआत में नर्सरी में तैयार किए गए लौकी और करेले के पौधे की रोपाई करें। पिछले दिनों रोपी गई बैंगन की क्यारियों में निराई और गुड़ाई करें। आम के बागों की सिंचाई करें जिससे नमी बरकरार रहे।
शिमला मिर्च के खेतों में निराई गुड़ाई करके जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भाव की। प्रदेश की मंडियों में धान के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1375 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1380 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1460 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1380 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से धान रहा। चावल, लखनऊ में 2180 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2150 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 2210 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। गेहूं, लखनऊ में 1690 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1650 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1500 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1541 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। मसूर, लखनऊ में 6700 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 6000 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 6400 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 6650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। उड़द, लखनऊ में 9450 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 10500 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 9200 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 10840 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चना, लखनऊ में 5200 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 5375 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 5200 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 5100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। गुड़, लखनऊ में 2875 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2875 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2520 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 2510 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। आलू, लखनऊ 800 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 850 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 800 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 640 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्याज, लखनऊ में 1100 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1000 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 940 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 810 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। बैंगन, लखनऊ में 700 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 550 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 620 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दे अनुमति, नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी है, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि झींगा पालन कैसे करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद से प्राध्यापक डॉक्टर AP राव जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन। धन्यवाद जी। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहूंगा कि ये जो झींगा पालन है वो किसान भाई जो मत्स्य पालक वो क्यों करें? जी जी जी, ये आज आपने बहुत अच्छा नया सब्जेक्ट प्रदेश के लिए बहुत नया विषय चुना, झींगा पालन। झींगा वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये मछली वर्ग का प्राणी नहीं है, ये जलीय कीट वर्ग का प्राणी है। लेकिन चूंकि ये जल में ही उत्पन्न होता है, जल में ही पैदा होता है, जल में ही इसकी बढ़वार होती है, इसलिए लोग इसे मछली पालन या झींगा पालन कहते हैं। सर, तो इसके पालने से मत्स्य पालकों को क्या फायदा? जी जी जी, आने वाले समय में ऐसा है कि यदि झींगे को देखें तो झींगा का जो मांस होता है वो बहुत ही मछली की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन 18-20% तक इसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत कम होता है, और विशेष रूप से मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, उसमें फास्फोरस और कैल्शियम इसमें झींगों के मांस में बहुत आयत में पाया जाता है। तो जितने हम हृदय रोग या वृक्क रोग या इस तरह के हाई ब्लड प्रेशर, धमनी रोग वाले जो पेशेंट होते हैं उनका, उनको झींगा का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए झींगा पूरे विश्व में आज झींगे की बहुत मांग है, और झींगा यदि आप भारत में देखें या विश्व बाजार में देखें तो भारत में ही कम से कम झींगा 600 रुपए से कम केजी नहीं है, और विदेशों में तो जो हम बाहर भेज रहे हैं तो ये तो हजारों रुपए केजी में होता है। तो ये जो मछली पालन, झींगा पालन है, ये सामान्य तौर पर मत्स्य पालक ही कर सकते हैं या सामान्य तौर पर? नहीं, ये झींगा पालन अपने, जिसके झींगा दो तरह के होते हैं, एक तो कुछ समुद्र में होते हैं और कुछ मीठे जल के झींगे होते हैं। वैसे अपने प्रदेश में जो केवल मीठा जल है तो मीठे जल के झींगे हम अपने प्रदेश में पाल सकते हैं, और मीठे जल के झींगे जो होते हैं उनकी करीब करीब 20-25 प्रजातियां हैं जो हैं, उपलब्ध हैं यहाँ। लेकिन सभी प्रजातियां बढ़ोतरी उनमें अच्छा नहीं होता, छोटा, कुछ प्रजातियां छोटी होती हैं, तेज बढ़ती नहीं है, उनके बीज का दिक्कत है, खाने की दिक्कत है। तो 5-6 प्रजातियां जो वैज्ञानिकों ने शोध के बाद बताया है उन्हें हम पालन कर सकते हैं, और उसमें जो सबसे अच्छी प्रजाति होती है उसको हम माइक्रोब्रैकियम, वैज्ञानिक भाषा में उसको देखें माइक्रोब्रैकियम रोजनबर्गाई, जिसको हम महाझींगा कहते हैं, जो करीब करीब 1 फीट के लगभग बढ़ जाता है और 35-50 ग्राम तक वजन में हो जाता है। तो ये झींगा जो है अपने प्रदेश में मत्स्य पालकों के पालन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा भी कुछ और प्रजातियां हैं जिनका चयन कर सकते हैं मत्स्य पालक? वैसे तो हमने कहा कि 20-25 प्रजातियां हैं, लेकिन ये प्रजाति अपने प्रदेश के लिए मीठे जल के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और ये झींगा पहले आज के 70 के दशक में अपने नदियों में होता था जी। लेकिन ये जो नदियां हैं, आपको पता है कि ये नदियां अल्टीमेटली सब जाके समुद्र में मिलती हैं, तो ये नदी जो गंगा नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं उसमें ये बहुतायत में मिलता था। लेकिन ये ऐसा होता है कि ये जो मीठा जल है, नदी है, उसमें तो ये रहती हैं, बढ़ेंगी और जब प्रजनन करेंगी और जो इनके बच्चे होंगे उनको खारे, उनके विकास के लिए खारे पानी की आवश्यकता होती है, तो ये फिर समुद्र की ओर बढ़ते हैं। तो 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बांध बन गया, तो इधर के झींगे इधर और उधर के झींगे उधर चले गए।
रह गए, तो इसलिए धीरे धीरे अपने नदियों में खारा पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था बांध के वजह से, इसलिए खत्म हो गया झींगा। लेकिन अब हमें इसमें पालने की जरूरत है, इसके पालने की विधि पूरी विकसित कर ली गई मीठे झींगे की। बात पे प्रश्न पूछना कि अगर इसका बीज चाहिए मत्स्य पालकों को तो कहां से प्राप्त जी? हमने आपको बताया कि ये जो हम मछली, ये जो झींगे होते हैं, ये पानी में प्रजनन तो करते हैं मीठे जल में, लेकिन इनका जो जिसको हम बच्चे कहते हैं, छोटे बच्चे, इनमें इनके विकास के लिए हमें खारे पानी की आवश्यकता होती है, और ये खारे पानी की तलाश में ये समुद्र की ओर बढ़ते हैं। तो समुद्र के जो भी हमारे प्रदेश हैं, वहीं इनके बच्चे उत्पन्न हो पाते हैं, क्योंकि उनको खारा पानी चाहिए। अपने प्रदेश में झींगा पाल तो सकते हैं हम, लेकिन बच्चों का उत्पादन मुश्किल है। तो जो भी समुद्र के किनारे प्रदेश है, हमारा आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल है हमारा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये सब जो प्रदेश हैं, यहाँ झींगे का जो बीज उत्पादन बहुत ही बहुतायत में हो रहा है, और वहां से अब बहुत साधन हो गए हैं जहां से झींगे के बच्चे अपने प्रदेश में आकर पाले जा सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब यहाँ पर मत्स्य पालक जो है ये बीज तालाबों में डालते हैं, तो उससे पहले तालाब की कैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी? जी देखिए, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जो भी मछली पालन वाले तालाब हैं, छोटे तालाब जिसे 1.1 हेक्टेयर जिसको हम छोटा तालाब कहते हैं, या आधे एकड़ का तालाब, या उससे कम एकड़ के तालाब जिसमें हम मछली के बच्चों को पालन करते हैं, वो सभी तालाब इसके लिए उपयोगी होते हैं। इसकी सफाई, जैसे मछली पालन के लिए हम इसको सुखा लें, इसकी जुताई कर दें, इसके जलीय खरपतवार और जो अवांछनीय और चीजें हैं उसको निकाल लें, फिर इसमें पानी भरने के बाद इसमें गोबर करीब करीब 2 टन और 25 किलो यूरिया और 50 किलो सुपर फास्फेट डालकर इसको हम तैयार कर सकते हैं। और गोबर और खाद डालने के 10 दिन के बाद ये तालाब हमारा झींगों के बच्चों को डालने के लिए ये तैयार हो जाता है, हो जाएगा। तो डालने की भी डॉक्टर साहब कोई प्रक्रिया है? जी ये जरूर, ये हम अपने किसान भाइयों को बता दें, मत्स्य पालकों को बता दें कि जैसे आप मछली के बच्चे आते हैं पैकेट में, उसी तरह जो हमारे झींगा की हैचरी है जहां बच्चे पैदा होते हैं, वहां से हमारे उसको हम बोलते हैं झींगा के बच्चों को बोलते हैं पोस्ट लार्वी पीएल, जिसे अंगुलिका बोलते हैं, उसी तरह झींगे के बच्चों को हम पोस्ट लार्वी पीएल बोलते हैं, और ये पीएल वहां से उपलब्ध होते हैं पैकेट में। और 1 हेक्टेयर तालाब में, यदि 2.5 एकड़ का तालाब है, तो उसमें हम 40 से 60 हजार झींगे के बच्चों को उसमें हम संचित कर सकते हैं। जैसे मछली का पैकेट लाते हैं बच्चों का, उसी तरह इसका भी पैकेट ले आकर और पानी में थोड़ी देर इसको डाल देते हैं, जब दोनों का तापमान बराबर हो जाता है, फिर इसका पैकेट का मुंह खोलकर और झींगों को पानी में हम समाहित कर देते हैं, जाने देते हैं। तो इस तरह इनका हम संचय तालाबों में करते हैं। सब जब ये थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं, जैसे आपने बताया कि थोड़ा खारे पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके भी कोई तालाब में? देखिए ऐसा होता है कि ये 4 से 6 महीने बाद जब हम पोस्ट लार्वी या झींगे के बच्चों को तालाब में डालते हैं, तो ये इनको हम खाना दाना डालते हैं और इनका हम पानी का ध्यान रखते हैं कि पानी का तापमान बड़ा इसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मछली में तो थोड़े से तापमान के ऊपर नीचे होने से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इसमें यदि मछलियों झींगे के बच्चे हैं वो 20 सेंटीग्रेड से नीचे तापमान आता है तो उनको दिक्कत होती है। उसी तरह ऊपरी तापमान जब 35 सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ता है तब दिक्कत होती है, और 10 से नीचे आने पर तो झींगे मर जाते हैं। तो इनका जो तापमान है, ठंडा भी नहीं, जी और ज्यादा हाँ, अपने प्रदेश में जैसे फरवरी से लेकर नवंबर का महीना जो होता है वो झींगे पालन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो इन्हीं महीनों में आप झींगे पालन का समय अपने प्रदेश के लिए शुरू हो गया और आप झींगे के बच्चे भी मिल रहे हैं बहुत सारी हमारी इन। डॉक्टर साहब आहार व्यवस्था कैसे? जी वैसे तो ये कहा तो जाता है कि ये मांसाहारी, लेकिन ये प्योर मांसाहारी नहीं होते। और जैसे मुर्गी के बच्चों के लिए हमारे पास स्टार्टर फीड, फिनिशर फीड और ग्रोवर फीड आ गया है, उसी तरह अनेक भारत में भी अनेक कंपनी आ गई हैं जो झींगों के बच्चों के लिए, झींगों के पालन के लिए फीड, स्टार्टर, ग्रोवर और फिनिशर बना रहे हैं, और आप बाजार में उपलब्ध है, उनको आप खिला सकते हैं। यदि नहीं है तो हमारे जो मत्स्य पालक हैं अपने संसाधन जो उनके पास हैं उससे भी भोजन बना सकते हैं। हम बता दें कि जैसे एक हिस्सा वो चावल का कना पॉलिश जिसको हम बोलते हैं, सरसों की खली और उसमें मछली का चूरा जिसको हम फिश मील कहते हैं, 40 40
और 20 मिलाकर नमक मिलाकर 1 किलो इनका हम खाना झींगों का बच्चों का खाना बनाकर हम मछली पालक इनको दे सकते हैं। तो लगभग जो ये झींगा है ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? देखिए ये झींगे तो 4 से 6 महीने में अपने प्रदेश की जो जलवायु है, जो पानी है, जो मिट्टी है, 4 से 6 महीने में तैयार हो जाता है। और झींगों का जो रेट मिलता है बाजार में वो बड़े साइज के अनुसार मिलता है। यदि झींगा छोटा है तो कम रेट मिलता है और झींगा बड़ा है तो उसका रेट अच्छा मिलता है, बड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। तो वैसे तो मत्स्य पालक यदि ठीक ठाक से अपने प्रदेश में जो इसमें तापमान हमने बताया उसमें उस समय में समय अवधि में करें तो उनके झींगे 25 से 30 ग्राम 35 ग्राम 40 ग्राम तक 4 से 6 महीने में बढ़ जाता है और उसको वो बाजार में बेच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने जानकारी दी कि झींगा किस तरीके से पालन करें और किस तरह से तालाब की व्यवस्था करें, आहार की व्यवस्था करें और एक सामान्य निर्देशों के तहत अगर जो ये अभी तक मार्च से लेकर नवंबर तक का जो समय है अभी किसान भी अच्छे से कर सकते हैं, अगर बेहतर तरीके सारी सावधानियों के साथ करते हैं तो एक बेहतर मछली उत्पादन उनको मिले, झींगा उत्पादन मिलेगा और बेहतर मूल्य जो है बाजार में। तो इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों राजस्थान के ऊपर सक्रिय चक्रवात की वजह से मौसमी उठापटक देखने को मिली। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने तेज होती गर्मी से कुछ राहत दी और जिससे तापमान में कुछ गिरावट आई। इस दौरान हवा की औसत गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। सप्ताह के अंत में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में अधिकतम औसत तापमान लगभग 36 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 8 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।